7.32 और पांचवा अगर मैंने टॉप फाइव ले लो तो पांचवा फिर वो नरसिंहपुर से गाडरवारा, तेंदुखड़ा भी नरसिंहपुर था, नरसिंहपुर से गाडरवारा 67.72। तो ये टॉप फाइव 67.72। पांच में तीन होशंगाबाद, दो नरसिंहपुर, हाँ पीसी वही है जिला जिला अगर देखो। और जो सबसे नीचे वाले पांच अगर हम देखते हैं तो सबसे नीचे है अभी त्योंथर रीवा, त्योंथर में 45.52, देन 45.52, देवतालाब रीवा 45.75, सिरमौर रीवा 46.99, मनगवा रीवा फिर 47.24, 24, और फिर पांचवा मऊगंज, फिर रीवा 48.62। तो जैसा पहले देखा रीवा में सबसे कम अभी वोटिंग हुई है, रीवा का ओवरऑल 48.67 था। तो ये स्थिति है, पिछली बार हमारा 67% था, अभी हम 58% के पास हैं, जो अभी थोड़ा सा अंतिम जब होगा तो 1-5% और इसमें इंक्रीज हो सकता है। तो ये स्थिति है। अच्छा अभी हाँ लोग से पूछो नहीं नहीं जान नहीं 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 छत्तीसगढ़ में आंकड़े ज्यादा हैं, सही बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलावा चुनाव सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, अन्य कई सारे राज्य हैं बड़े, सभी जगह परसेंटेज कम हुआ है। बट ये मतलब नहीं है कहने का, प्रचार प्रसार हम लोगों ने भी किया, आपने भी किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी किया, जनता है जो अभी भी देखते हैं कि जो कितना परसेंट हो रहा है। बट ये सही है कि बहुत सारे राज्यों में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। मैंने बताया ना आपको कि 2019 में इन सीटों पे जो औसत था वो 67% था और अभी 58.35 है, तो कम हुआ। नहीं नहीं स्थिति न बने हम वो कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता, हम प्रयास कर सकते हैं, हम लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब उसके बाद वोटिंग परसेंटेज जनता उस दिन वोट देने आती है, कितना आती है नहीं आती है अपना काम है, हम मतदाताओं की मतदाता की सुविधा के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, प्रयास जारी है कि अधिक से अधिक लोग वोट करें, आपके माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी शुरू से बने हर दिन बातचीत करते हैं और जब भी मौका मिलता अपील करते हैं। कहीं भी जहां भी ईवीएम में दिक्कत आई मतदान शुरू में तत्काल उसको ठीक किया गया, उसके कारण कहीं मतदान में कोई प्रक्रिया बाधित नहीं हुई, मतदान निरंतर हुआ है और जो लोग भी आए उन्होंने वोट दिया। कौन सा नहीं अच्छा कहीं कोई बहिष्कार हुआ था, कहीं बूथ कैप्चरिंग, कहीं कोई घटना हिंसक घटना कोई नहीं? बूथ कैप्चरिंग या हिंसक घटना नहीं है, बहिष्कार की जानकारी बाद में आएगी, मेरी जानकारी में तो बहिष्कार वैसा नहीं है, हर जगह वोट डला है, लेकिन ये अभी कह पाना कि कहीं वोट बिल्कुल नहीं डला है मेरे लिए संभव नहीं है। होगा अभी नहीं है यहाँ पे, तत्काल तो नहीं है, हाँ करा देंगे। महिला पुरुष टोटल में 5% का गैप है पुरुष और महिला में जहां पर। मैंने विटमैन नहीं देखा, वीडियो है सर देख लेंगे। कहाँ पे कहाँ पर कहीं भी एक घंटे लेट मतदान शुरू, कहीं भी एक घंटा लेट नहीं हुआ,
थोड़ा बहुत लेट जहां भी हुआ मशीन के कारण, वहां मशीन बदल दी गई और उसके बाद वोट डलना शुरू हुआ। वोटिंग परसेंटेज आप खुद देख रहे हैं इतना कम है, तो उसके अगर मान लो कहीं 10 मिनट 15 मिनट विलंब भी हुआ है तो उसके कारण कोई प्रक्रिया बाधित नहीं हुई है और कोई वोट डालने से वंचित नहीं हुआ है इस कारण से कि समय नहीं मिला। एडिशनल मेजर्स आप हम तो नहीं नहीं हम लोग लगातार मतदाता से संपर्क कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के जितने माध्यम हैं, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे गांव में कोई कार्यक्रम का आयोजन हो, चाहे आप देख ही रहे हो मेहंदी रंगोली आप रोज छापते हैं, तो मैं तो अनुरोध ये करना चाहूंगा कि ठीक है हमारी सोच से आगे अगर आप लोग कुछ बता पाएं तो हम थर्ड और फोर्थ पेज में उसको भी शामिल करेंगे, थोड़ा और कहीं उससे कुछ रिजल्ट मिल जाए अच्छा, अगर कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। चलिए थैंक यू। तो आप चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे और इस मौके पर ये जानकारी दी गई कि किस तरीके से ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। हालांकि जब आंकड़ों के कंपैरिजन की बात आई छत्तीसगढ़ से, जब वहां किसी रिपोर्टर ने कंपेयर करने की बात कही तो फिर मुख्य जो चुनाव आयोग की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई कि सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं बाकी राज्यों में भी इलेक्शन हुए और वहां पर इसी तरीके का हाल रहा। लेकिन यह हाल क्यों रहा, क्यों आखिर वोटिंग कम होती हुई नजर आई, ये जरूर थोड़ा चिंता का सवाल बना हुआ है। एमपी में 6 सीटों पर 80 उम्मीदवार मैदान में रहे और अब इन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। शाम 5 बजे तक के आंकड़े भी निकल कर सामने आ गए हैं। 3 सहयोगी हमारे लगातार बने हुए हैं, एक बार अंकुश का जरा रुख कर लेते हैं। अंकुश,